गुड मॉर्निंग। सुबह का 8:30 है और आज संडे है, छुट्टी है, तो मैं उठी हूँ 8:30 अभी सोकर। और देखा कल रात से बारिश रुकी ही नहीं, कल रात से बारिश हो रही है तो हो रही है। देखिए ये देखिए, कल रात से ही बारिश हो रही है। खिड़की दरवाजा भी नहीं खोल सकते, इतनी तेज हवा है। मौसम थोड़ा ऐ वही है मानसून वाला। अभी कसौली में मानसून जैसी बारिश शुरू हुई, एकदम रात से बारिश बिल्कुल कंटिन्यूअसली हो ही रही है, रुकी ही नहीं है, और तेज वाली बारिश होती है। बस अब हिमाचल में होगा लैंडस्लाइडिंग का दौर शुरू, कहीं जा भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मेरी रोज सुबह की शुरुआत खन खजूरे को देख के होती है, और आज तो इतना बड़ा है, उसके इतने बड़े बड़े डंक है, तो चलिए दिखाती हूँ। इतना बड़ा है ये खन खजूरा, उसके डंक देखिए, हिल भी रहा है। पता नहीं ये बाल्टी में कहाँ से पहुंच गया, कहाँ से आते हैं ये सब, इतना गंदा दिख रहा है वो। इतना बड़ा ये बाल्टी में कैसे पहुंच गया, मैंने देखा ये वॉशिंग मशीन में रखी हुई थी बाल्टी, ये छोटा सा, और पता नहीं कहाँ से पहुंच गया। अब इतने बड़े को मानने में भी बहुत अजीब लगता है, पर मानना तो पड़ेगा ही। क्या क्या करना पड़ता है सच में, क्या करें। हम डालेंगे उसमें थोड़ा पानी, अब बस उसको पानी के साथ बाहर फेंक देंगे, क्योंकि खड्डे से बहाएंगे तो भी बीच में फंस जाएगा। देखिए बहाना तो उसको फेंकना तो पड़ेगा ही, बारिश है ना, क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं। यहाँ वहाँ तो नहीं गिर गया, देख लेते हैं, नहीं गिरा, बहुत पानी आ रहा है उधर से। आज है संडे और आज बनी है एक स्पेशल सब्जी, ये देखिए मशरूम कितना अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम इसे खाने जा रहे हैं, कढ़ाई मशरूम। हालांकि ये मैंने नहीं बनाया है, ये इन्होंने बनाया है, एकदम बहुत गजब दिख रहा है। बस अब तो भूख हो गई है डबल, और अब हम जा रहे हैं इसे खाने। अब मैं साफ कर रही हूँ बर्तन, और हमारा कढ़ाई मशरूम बहुत ही टेस्टी था। क्या है ना, सैटरडे संडे को हमारे यहाँ, सैटरडे या संडे को एक दिन कढ़ाई मशरूम जरूर बनता है। कढ़ाई मशरूम तो नहीं, मशरूम पक्का बनता है, मुझे बहुत पसंद है। कल जो कि इनका ऑफ नहीं था, तो कल नहीं बना, आज बना, क्योंकि बनाते ही यही है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, मशरूम हो या पनीर हो। क्या है ना, मैं तो डेली खाना बनाती हूँ, तो एकदम इंसान एक ही टाइप का खाना खा के बोर हो जाता है, हरी वही हरी सब्जियाँ। इसीलिए सैटरडे संडे को कुछ स्पेशल सब्जी बनती है, और यहाँ आसपास रेस्टोरेंट भी नहीं है कि आप वहाँ जाके खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए दिन बहुत अच्छा था मशरूम। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का उसकी रेसिपी आपको शेयर करूंगी।